ये दोस्तों देखिए, नोवा का ये DVR ओपन हो के मेरे पास, ये फर्स्ट टाइम देखिए ओपन हुआ है। ये जो मैं आपको DVR का मैंने पूरा एक सेटअप शुरू से मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन खुल के आ गई है। उसके बाद इसमें आप सर्च वगैरह में अगर जैसे हार्ड डिस्क लगी है, देखिए शो कर रहा है, अभी कोई रिकॉर्डिंग है नहीं। बाकी आपको जिस डेट की रिकॉर्डिंग देखना है, अगर आप इसको जानते हो समझ रहे होंगे, ये पूरा कैलेंडर दिया होता है, ये जनवरी फरवरी पूरा दिया हुआ है, पूरा ये देखिए 12 मंथ्स का दिया होता है, इधर डेट दी हुई होती है। आप उसको ड्रॉप करके टाइप कर सकते हैं, आप क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा, उसके बाद उसको टाइप करके आप सर्च करेंगे, उसके बाद ये उस मंथ का आ जाएगा और किस डेट का देखना है यहाँ करके। बाकी उसके अलावा नीचे ये जो है पूरा 0 से पूरा 24 घंटे का ये आपको रिकॉर्डिंग दिखाने लगेगा। आपको जिस टाइम पे भी आपको रिकॉर्डिंग देखनी हो, 10, 11, 12, जिस टाइम का आप वहाँ क्लिक करिएगा तो स्क्रीन पे वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी। और इसमें एक बार में आप 4 कैमरे का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मतलब तो ये अगर DVR अच्छी क्वालिटी का है तो 4 आ जाते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो उसमें आप एक बार मैक्सिमम एक कैमरे का DVR देख सकते, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीज़न वही आप समझ रहे होंगे कि जब हार्डवेयर स्ट्रांग होगा तो एक साथ वो 4 कैमरे की रिकॉर्डिंग भी कर रहा है जो लाइव चल रहे हैं, प्लस आपको 4 कैमरे से बैकअप भी दिखा रहा है। यानी उसी हार्ड डिस्क को उसी PCB को एक साथ कई काम करने होते हैं, तो उसके लिए हार्डवेयर स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये बैकअप का ये काफ़ी, क्या आज के डेट में कहिए कि ज़्यादातर DVR सेम इसी सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं बैकअप देखने के लिए। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है, मेरे ख्याल से आप इसको समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये पूरा एरिया देखिए आपका, ये माउस जो मैं यहाँ पे कर्सर हिला रहा हूँ, देखिए ये पूरा आपका एरिया दिया हुआ है। यहीं से देखिए आप डेट, चाहे तो मैनुअली जा सकते हैं एक एक, चाहे तो यहाँ से लिस्ट ओपन करके आपको जो मंथ आपको देखना हो देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अभी ये जनवरी चल रहा है, अब आपको मान लीजिए लास्ट ईयर का देखना है, दिसंबर 2018। अब ये सब कुछ करने के बाद आप उसको जो है जब ओके कर देंगे तो स्क्रीन सर्च होने लगेगी। उसके बाद जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आज का, जैसे जनवरी का, जैसे कुछ देर थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि ये 2018 ही 2019 हमको देखना होगा। देखिए जैसे ही हमने किया, अपने आप ये सर्च करके आ गया। अब नीचे देखिए आप, जिसका ये पूरा नीचे बोर्ड दिया हुआ 02, ये 02 पूरा देखिए 24 आवर्स तक का दिया। अब ये देखिए 17, ये करीब 17 और ये 18, 6, इस टाइम पे जो DVR ऑन हुआ, जितनी देर हुई देखिए उतनी देर रिकॉर्डिंग हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग दिखाने लगेगा, ये 6:21 की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। उसके बाद हम उस जिस टाइम पे भी क्लिक करेंगे हमको उसके पहले की रिकॉर्डिंग दिखाने लगेगा। और जब न्यू रिकॉर्डिंग करना हो तो एक बार माउस को क्लिक कर लीजिएगा, रिसेट कर लीजिएगा एक तरह से, तो फिर ये दोबारा से फिर वहीं से आ जाएगा, फिर से आप दोबारा इसको वहाँ से प्ले कर सकते हैं। बाकी इसमें ऑप्शन है देखिए, ये सब दिए हुए हैं, फास्ट फॉरवर्ड हो गया और स्लो मोशन हो गया, साउंड है, और ये सारा कुछ जो भी आपको दिख रहा है उसकी स्नैप लेना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए स्नैप का भी सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। और वीडियो कट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आप पेन ड्राइव लगा के इस ऑप्शन से सर्च करा लीजिए, पहले पेन ड्राइव को डिटेक्ट करा लीजिए, फिर यहाँ से टाइमिंग दे के और आप बैकअप डायरेक्ट पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप देख लीजिए, देखिए हाँ ये बना भी हुआ है फ्लॉपी टाइप का, फ्लॉपी डिवाइस जो पहले यूज़ होती थी डेटा स्टोर करने के लिए, अब वो है नहीं, पर उसका लोगो आज भी जिंदा रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कई लिस्ट आपकी बन रही है तो आप यहाँ से देख के देख रहे हैं, ये अब वो कई एक साथ सेव करना है, तो आप लिस्ट व्यू पे जाके यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और इसको अपनी पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं।